दिनांक 8 जुलाई वर्ष 2020 मैथ्स 1 कक्षा 9वीं। पहला चैप्टर हम कर रहे थे समुच्चय और पिछले वीडियो में हमने 1.1 हल किया। इस बार हम करेंगे 1.2। 1.2 को हल करने के लिए जिन बेसिक्स नियमों की ज़रूरत है, जिन फार्मूले की ज़रूरत है, जिन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, आइए सबसे पहले उसकी चर्चा कर लें। यहाँ पर बेटा आपको सबसे पहले तो समझना है समुच्चय के प्रकार। 1.1 में हमने सीखा था कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के लिखने की दो विधि हमने सीखी थी, गुणवर्णन पद्धति और सूची पद्धति। इस बार हम सीखेंगे कि समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार दिया हुआ है, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय और अनंत समुच्चय। एकल समुच्चय किसे कहते हैं, जिस समुच्चय में केवल एक ही घटक हो। जैसे कि यहाँ देखिए समुच्चय ए में सिर्फ एक ही घटक है 2, तो ये एकल समुच्चय कहलाएगा। दूसरा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे, जिसके अंदर कोई भी घटक ना आ सके। जैसे यहाँ देखिए समुच्चय बी को गुणवर्णन पद्धति में लिखा है कि समुच्चय बी सभी x का समुच्चय है तथा x यह 2 और 3 संख्याओं के बीच की प्राकृतिक संख्या है। तो इसे यदि सूची पद्धति में लिखने जाएं तो 2 और 3 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए सूची पद्धति में इसे यदि लिखेंगे तो b इज इक्वल टू समुच्चय का धनु कोष्ठक आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई घटक नहीं लिख पाएंगे। इसे हम लोग एक संकेत के द्वारा भी दर्शाते हैं। यहाँ संकेत आप देख रहे हैं, एक 0 बना के उसको कट किया गया है, जिसे फाई कहते हैं। फाई इसका मतलब हो गया रिक्त समुच्चय, कोई भी घटक नहीं है इसमें। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय उसे कहते हैं कि जिसमें घटकों की संख्या सीमित होती है, यानी गिने जा सकते हों। जैसे कि यहाँ देखिए गुणवर्णन पद्धति में समुच्चय दिया है, समुच्चय सी या सभी पी का समुच्चय है तथा पी या 1 से 22 संख्याओं में से 4 से विभाज्य संख्या है। तो 1 से 22 के बीच में 4 से विभाज्य यानी 4 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं, यहाँ 2 कंडीशन है, नंबर 1 से 22 के बीच का हो और 4 से कटने वाला हो। तो कौन सा आएगा, 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 22 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 24 नहीं ले सकते। तो यहाँ देखिए घटकों की संख्या सीमित है, 4 से शुरू हो रही, 20 पे ख़त्म हो रही और सारे घटक यहाँ गिने जा सकते हैं, कुल 5 घटक हैं यहाँ। तो इस तरह के जो समुच्चय हैं उन्हें हम सीमित समुच्चय कहेंगे। फिर अंत में है अनंत समुच्चय। अनंत समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें घटकों की संख्या को गिना ना जा सके। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे आपका गिनतियाँ जो होती हैं, गणन संख्याएँ, तो आप गिनती यदि बोलना शुरू करिए तो गिनती का कोई अंत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से हर नंबर, कोई कितना भी बड़ा नंबर कहे उसके बाद एक नंबर और उसमें जुड़ जाएगा तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है यानी जो गणन संख्या है, इसका कोई अंत नहीं होता, इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनंत समुच्चय है। यहाँ पर कुछ उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे पहले का ए देख लीजिए, सभी एक्स का समुच्चय, एक्स प्राकृतिक संख्या है और यह विषम संख्या है। हमें कहना क्या है, सीमित या अनंत ये पहचानना है। तो प्राकृतिक संख्या भी है और विषम है। विषम किसे कहते हैं, विषम जो 2 से कटते नहीं हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होते वो विषम होते हैं। तो प्राकृतिक भी हो और विषम भी हो तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, 1 3 5 7, इस तरह से। लेकिन ये कभी इनका अंत नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए ये एक अनंत समुच्चय हुआ। सेकंड देखिए, समुच्चय बी सभी x का समुच्चय है, x बिलोंग्स टू n और 3x-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन है, x प्राकृतिक संख्या भी होना चाहिए और 3x-1 बराबर 0 भी होना चाहिए। तो इसे एक्चुअली सॉल्व करके किया जाता है, मैं कैमरा ऑन करके आपको बताता हूँ। तो आइए इस उदाहरण को सॉल्व करते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण बी देखिए, बी क्या है, बी सभी एक्स का समुच्चय है तथा एक्स बिलोंग्स टू एन
यानी कि x प्राकृतिक संख्याओं का घटक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय घटक हैं, और 3x-1 बराबर 0। देखिए यहाँ समीकरण जो है 3x-1 है और bx का समुच्चय, मतलब हमें x निकालना पड़ेगा। 3x-1 0 है तो 3x-1 हो जाएगा, x 1/3 हो जाएगा, तो x यहाँ पर 1/3 आ रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ दो कंडीशन दिया था कि वो प्राकृतिक संख्या भी होना चाहिए, और ये समीकरण भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इस समीकरण के अनुसार x 1/3 आ रहा है, लेकिन इस शर्त के अनुसार वो प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ b जो है एक रिक्त समुच्चय होगा। b यहाँ पर रिक्त समुच्चय है, जैसे यहाँ देखिए सेकेंड हल किया गया है, b रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय की गिनती भी सीमित समुच्चय में की जाती है, क्योंकि यहाँ घटकों की संख्या गिनी जा सकती है। यहाँ शून्य घटक है, घटक कितने हैं, शून्य, गिने जा सक रहे हैं, सके यहाँ घटक को गिना जा सकता है, इसलिए ये सीमित समुच्चय है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड देखें तो सी सभी एक्स का समुच्चय है तथा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स प्राकृतिक संख्याओं का एक प्राकृतिक संख्या है एक्स, और आगे क्या दिया है, एक्स यह 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, एक्स 7 से विभाजित होने वाली संख्या, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि समय बचाना चाहता हूँ ताकि वीडियो छोटा हो। तो दो शर्त हैं, 7 से विभाजित भी होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या भी होना चाहिए। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या यानी 7 का पहाड़ा हो गया, 7 का 7, 7 दुनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 इस तरह 7 जोड़ते जाएंगे तो आपको 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं मिलती जाएंगी। और यदि आप ध्यान से देखें तो ये सब प्राकृतिक संख्या भी हैं, दोनों शर्तें पूरी हो रही, 7 से विभाजित होने वाली संख्या भी मिल रही है और वो प्राकृतिक संख्या भी है, तो ये घटक मिलेंगे। लेकिन इन घटकों को आप गिन नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी नंबर लिखेंगे अगला नंबर प्लस 7 करेंगे तो आगे का नंबर मिल जाएगा, उसमें प्लस 7 करिए आगे का नंबर, यानी घटकों की संख्या है ना यहाँ गिनी नहीं जा सकती, इसलिए यह एक अनंत समुच्चय है। उदाहरण 3 के बाद उदाहरण 4 पे आ जाते हैं। यद्यपि ये बुक में हल किया है, लेकिन कैसे हल किया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए सॉल्व एग्जांपल भी मैं आपको समझा रहा हूँ। चौथा देखिए कैसे दिया है, गुड़ वर्णन पद्धति में दिया गया है, डी जो है ये a, b सभी a, b का समुच्चय है, और ये जो a, b बिलोंग्स टू w यानी कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब, ये सारी संख्याएं होल नंबर हैं। शर्त, अगली शर्त है a+b 9 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दो शर्त है, एक तो होल नंबर होना चाहिए, दूसरा उनका योगफल 9 होना चाहिए। तो कैसे हम लोग ले सकते हैं, देखिए होल नंबर में सबसे पहला आंकड़ा होता है 0 का। अब बी हमको इस प्रकार से लेना है कि दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, जब एक हमने 0 ले लिया है तो दूसरा हमें 9 ही लेना पड़ेगा। तो 0 और 9 ये दोनों होल नंबर हैं और दोनों का योगफल भी 9 है, 0+9, 9। तो यहाँ दोनों शर्तों की पूर्ति हो रही है। 0 के बाद अगला जो पूर्ण संख्या है वो 1 है। अब एक अगला नंबर क्या होना ले सकते हैं, 9 आना चाहिए, तो 8 ही ले सकते हैं, तभी 9 होगा, 1 और 8, 9। दूसरी पूर्ण संख्या है 2, तो 2, 7 और ये 3, 6 तो अंत में इसी तरह से यदि आप करते जाएंगे तो देखिए ये नंबर बढ़ता जा रहा है, 0, 1, 2, 3 तो ये नंबर आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन ये कभी भी आप यहाँ पे लास्ट वाला नंबर आप यदि लेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते 9, और ये जो दूसरा नंबर जो घटता जा रहा है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 इस तरह से लास्ट में 0 हो जाएगा घटते घटते, तो अंत में तो यही मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए ये इसकी संख्या गिन सकते हैं हम लोग, घटकों की संख्या
गिन सकते हैं कैसे, ये 0, 1, 2, 3, 4 9 तक बढ़ रहा है, मतलब 0 से 9 तक ये बढ़ रहा है, यानी कुल 10 घटक हैं यहाँ। तो ये एक सीमित समुच्चय है क्योंकि यहाँ घटकों की संख्या गिनी जा सकती है। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से हल किया होगा, यस देखिए 0, 9, 1, 8, 2, 7 और लास्ट में आ रहा है 9, 0। तो ये भी एक सीमित समुच्चय हो गया। अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की तरफ। 6 F A कॉमा सभी A कॉमा B का समुच्चय है तथा A कॉमा B बिलोंग्स टू Q, Q यानी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी कि भिन्न में भी चलेगा, दशमलव भी चलेगा। A प्लस B 11, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए दो नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या अनंत होती हैं, तो ये यहाँ पर गिना नहीं जा सकता। क्यों नहीं गिना जा सकता, क्योंकि देखिए टोटल क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ तो दूसरा हो जाएगा आपका 11, 0 प्लस 11। फिर अगर मैं अगला नंबर ले रहा हूँ 1, तो दूसरा क्या हो जाएगा 10, 1 प्लस 10 11। अब इसके बाद तो 2 प्लस 9, तो इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ये 0, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा और ये लास्ट में यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे 0, 11 था वैसे ये 11, इसका उल्टा हो जाएगा 11, 0। तो देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि घटकों का अंत हो गया है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो कुछ और है। वास्तविक स्थिति क्या है मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसे अगर गिनती करें तो देखो 0 से 11 तक आ रहा है, यहाँ तक 12 घटक हुए, लेकिन अभी भी इसमें बीच में कई सारे ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, अब चूँकि परिमेय संख्या है तो हम दशमलव भी ले सकते हैं, तो इसके बीच में भी आपको अनंत नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, देखो अगर मैं ये 1 की जगह पे 1.1 ले लूँ तो अब टोटल 11 आना चाहिए, तो 11 आने के लिए अगला नंबर मेरे को 10.9 लेना पड़ेगा। तो ये टोटल जोड़ेंगे, सॉरी 9.9 लेना पड़ेगा, तो ये 11 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 1.2 ले लेंगे तो ये 9.8 हो जाएगा, 1.3 ले लेंगे 9.7 हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी दो नंबरों के बीच में भी आपको अनंत नंबर मिल जाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में भी अनंत नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर सब पूरी परिमेय संख्या को गिनना संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत नंबर होते हैं। मैं इसको आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे कि कोई भी, यदि ये मैं एक रेखाखंड खींच रहा हूँ समझो, इसको मैं आधा कर दूँ तो यहाँ बीच में एक पॉइंट मिला, अब इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, सबके बीच में यदि आप पॉइंट लेते जाओ तो आप गिन नहीं सकते हो कि कुल कितने पॉइंट्स हैं। तो परिमेय संख्या की भी यही स्थिति होती है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं ये गिनी नहीं जा सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर घटकों को गिनना संभव नहीं है, इसलिए ये एक अनंत समुच्चय कहलाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बुक में देख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण में कैसे समझाया गया है। यहाँ पर
11 आने के लिए 6.5 3.8 3.5 7.5 नहीं कुछ है, रैंडमली इन्होंने नंबर लिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी असंख्य जोड़ियाँ मिलती चली जाएंगी, इसलिए यहाँ ये गिनना संभव नहीं है, क्योंकि दशमलव तो मिलते चले जाएंगे आपको, जैसे मैंने अभी आपको रेखाखंड बना के समझाया था। तो इसलिए यहाँ घटक गिनना संभव नहीं है, इसलिए ये एक अनंत समुच्चय है। अब एक और टाइप का समुच्चय है जिसे सम समुच्चय भी कहते हैं, ये बहुत आसान है। कोई भी दो समुच्चय के घटक यदि समान हो, जो घटक समुच्चय पहले समुच्चय में जो घटक हो वही सेम टू सेम वही घटक दूसरे समुच्चय में भी हो, तो उन दोनों समुच्चयों को सम समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण एक देख लीजिए, ए सभी एक्स का समुच्चय तथा एक्स या लिसन शब्द का वर्णाक्षर है। बी सभी वाई का समुच्चय है तथा वाई या साइलेंट शब्द का वर्णाक्षर है। अब देखिए, लिसन और साइलेंट इन दोनों का यदि सूची पद्धति में लिखें हम, तो वही वर्ड मिलेंगे, एल आई एस टी ई एन, और ऊपर के ही जो अक्षर हैं वही नीचे भी साइलेंट में भी वही अक्षर हैं, बस फर्क ये है कि उनका क्रम आगे पीछे हो गया है। तो ए और बी के घटक समान है, इसलिए कैसे लिखा, देखिए ए और बी में घटकों का क्रम भिन्न है पर घटक वही हैं, इसलिए ए और बी समुच्चय समान समुच्चय हैं, तो ए बराबर बी उसे लिखा जाएगा। उदाहरण दो देख लीजिए, ए सभी एक्स का समुच्चय है, एक्स बराबर 2n, और n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x है वो 0 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा और तथा बराबर है। तो अब इसे हल करना पड़ेगा, तीन शर्तें हैं, कैमरा में ऑन करके आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण दो जरा समझ लेते हैं, मैं कैमरा ऑन करके आपको समझाता हूँ। ये क्या दिया, देखिए ए में क्या दिया है, एक्स जो है वो 2n के बराबर है। उदाहरण दो में ध्यान से देखिएगा अपने एक सवाल में, सवाल की तरफ, यहाँ पे n क्या दिया है, n नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर होने चाहिए। और तीसरी शर्त क्या दी है कि x 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा हो या बराबर हो, 10 से छोटा या बराबर भी हो सकता तो चलेगा। तो देखिए, अगर यहाँ n का मान अगर 1 रखें तो x क्या मिल जाएगा, x 2 मिल जाएगा। फिर n का जगह पे अगर 2 रखें तो 2 दूनी 4, इसी तरह से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, इस तरह से नंबर मिलते जाएंगे, 2 छंग 12, 2 सत 14। तो इन दोनों शर्त के अनुसार ऐसे नंबर मिल रहे हैं। तीसरी शर्त को यदि देख लें तो हमें कैसे नंबर चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, तो ये 2, 4 ये सब 0 से बड़े हैं लेकिन 10 से छोटे या बराबर होने चाहिए, तो ये 10 हो गया, ये सब नंबर 10 से छोटे हैं और ये 10 के बराबर है। तो ये सारे नंबर ऐसे नंबर हैं जो तीनों शर्तों का पालन करते हैं। तो इसलिए ए के अंदर कौन कौन से घटक आ गए, 2, 4, 6, 8, 10 समुच्चय ए में ये घटक आ गए। अब उदाहरण दो में बी में देखिए क्या दिया है, बी किताब में देखिए ध्यान से, बी सभी वाई का समुच्चय है, वाई क्या है, सम संख्या है पहली शर्त, और दूसरी शर्त है कि वाई 1 और 10 इन दोनों के बीच की संख्या है, और यहाँ 1 और 10 भी इंक्लूड करना है आपको, तो सम संख्या होनी चाहिए और 1 और 10 भी उसमें आने चाहिए। तो बी के अंदर देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो, 2 तो 2, 4, 6, 8, 10। अब किताब में देखिए 10 से बड़ी संख्या नहीं ली जा सकती, तो यही नंबर मिल रहे हैं। फिर से यहाँ देखिए, ए और बी के जो घटक हैं समान हैं, तो यहाँ समुच्चय ए और समुच्चय बी भी समान हो गया। देखिए यहाँ पर हल किया गया है, वही घटक 2, 4, 6, 8, 10 आ रहे हैं, इसलिए ए और बी सम समुच्चय हैं। अब ये एक और उदाहरण यहाँ दिया है, सी 1, 3, 5, 7 है और यहाँ 2, 3, 5, 7 है। सी और डी सम समुच्चय हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सी और डी में देखो घटक की संख्या तो समान है, 4, यहाँ सी में भी 4 घटक है, डी में भी 4 घटक है, लेकिन घटक समान नहीं है,
जैसे सी में एक है लेकिन डी में एक नहीं है, 3, 5, 7 तो दोनों में है, लेकिन देखिए डी में 2 है और सी में 2 नहीं है, तो सारे घटक समान नहीं है, इसलिए ये सम समुच्चय नहीं हो सकते। उदाहरण 3 देख लीजिए, ए क्या है 1, 2, 3 है, बी 1, 2, 3, 4 है। यहाँ भी देखिए 1, 2, 3 तो दोनों में है लेकिन बी में 4 है और ए में 4 नहीं है, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी सम समुच्चय नहीं है। चौथा उदाहरण देख लेते हैं, चौथा उदाहरण कैसे है कि ए सभी x का समुच्चय है तथा x यह अभाज्य संख्या है और x 10 से बड़ी 20 से छोटी है और b 11 से लेकर 19 तक है, तो a बराबर b की जांच करनी है। तो फिर से कैमरा ऑन करके इसको सॉल्व करेंगे, सूची पद्धति में लिखने के बाद ही जांच की जा सकती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उदाहरण नंबर 4, ए बराबर, ए क्या है यह अभाज्य संख्या है और 10 से बीस के बीच में है, तो 10 से 20 के बीच में वो भी अभाज्य संख्या, तो 11, 13 अभाज्य संख्या मैंने बताया था जो सिर्फ एक से और खुद से ही विभाज्य हो, 1, 11, 13, 14 देखिए 2 और 7 के पहाड़ों में आती है, 15 भी 3 और 5 के पहाड़ में आती है, 16 भी नहीं, 17 देखिए सिर्फ एक और खुद से ही विभाज्य है, उसके बाद में 19, तो ये देखिए ये 10 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या हो गई। हम उदाहरण 4 की चर्चा कर रहे हैं, तो ए के घटक मिल गए, बी के घटक यहाँ दिए ही हैं पहले से ही, 11, 13, 17 और 19, तो इस तरह से दोनों के घटक सेम हैं, समान हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी, यानी ए और बी सम समुच्चय हैं। तो अब आ जाते हैं 1.2 में, 1.2 का पहला सवाल देख लीजिए, क्या है यहाँ पर, कौन से समुच्चय समान है और कौन से समान नहीं है, कारण सहित स्पष्ट करना है। तो सूची पद्धति में लिखने के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ ए क्या दिया है, ए सभी x का समुच्चय है और 3x-1 = 2 है। अब देखिए a x का समुच्चय है इसलिए हमें x निकालना पड़ेगा, तो ये समीकरण हल करते हैं, 3x-1 = 2, 3x = 2+1, 3x = 3, 3 से यदि दोनों तरफ भाग दे दें तो आ जाएगा x = 1, इसका मतलब समुच्चय a के अंदर क्या है, 1 है, तो a मिल गया। अब b देख लेते हैं, b कैसे है, b किताब में देखिए, b प्राकृतिक संख्या, b सभी x का समुच्चय, x प्राकृतिक संख्या है किंतु ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो है पर ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो ऐसी संख्या सिर्फ एक ही है, एक ये प्राकृतिक संख्या भी है और ये अभाज्य नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ही विभाजक है, एक सिर्फ एक के ही पहाड़े में आता है, इसलिए एक भाज्य अभाज्य नहीं है, भाज्य में नहीं है क्योंकि भाज्य किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक विभाजक होते हैं, तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। फिर सी देख लेते हैं, सी, सी क्या दिया हुआ है किताब में देखिए कि सी एक्स का समुच्चय है, एक्स प्राकृतिक संख्या है और 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी प्राकृतिक संख्या एक ही होती है, तो देखिए यहाँ पर ए का आंसर भी 1 आ रहा है, बी के अंदर भी वही घटक आ रहा है, सी के अंदर भी वही घटक आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि ए बी सी यह तीनों सम समुच्चय हैं। तो कारण भी पूछा तो कारण आप लिख सकते हो, क्योंकि क्योंकि समुच्चय ए समुच्चय ए बी तथा सी के घटक समान है, सेम है, तो ये इसका कारण हो गया, इसलिए ए बी सी सम समुच्चय है। सेकंड पूछ रहा है ए और बी समान है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, तो कारण तब पता चलेगा जब उनके घटक पता चलें। तो किताब में देखिए ए के लिए क्या दिया है, सम संख्या है जो
अभाज्य संख्या भी है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो दो देख लीजिए, दो सम है और अभाज्य भी है। दो सम क्यों है? क्योंकि दो से विभाजित होती है, दो के पहाड़े में आती है। और ये अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके दो ही विभाजक हैं, ये एक और दो, इन दो ही पहाड़ों में आती हैं, दो से। तो ये ए के अंदर ये घटक आ गया। बी देख लेते हैं, बी क्या दिया है किताब में, देखिए ध्यान से। बी सभी एक्स का समुच्चय है, लेकिन 7x-1 13 दिया है। 7x-1 = 13। तो चूँकि बी एक्स का समुच्चय किताब में दिया, यानी एक्स निकालना पड़ेगा हमें। 7x = 13 + 1, 7x आ गया 14, तो x बराबर आ गया 2। यानी b में भी वही घटक आ गए 2। तो दोनों में देखिए सेम घटक है, a और b के घटक समान हैं। तो आप यहाँ लिख ऐसे लिख सकते हैं कि a तथा b के, आपको समुच्चय a तथा समुच्चय b के घटक समान हैं, इसलिए a तथा b सम समुच्चय हैं। उदाहरण दो भी हो गया। तीसरे उदाहरण पर आ जाते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय हैं? रिक्त समुच्चय मतलब जिसके कोई में के अंदर कोई भी घटक ना हो, उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो देख लेते हैं तीसरे का पहला सवाल, किताब में देखिए क्या दिया है। ए सभी ए का समुच्चय है और यह शून्य से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो शून्य से छोटी तो कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं, तो यहाँ कोई घटक नहीं आएगा। तो आप यहाँ कारण क्या लिखोगे कि चूंकि समुच्चय ए में कोई घटक नहीं है, समुच्चय ए में कोई भी घटक नहीं है, इसलिए समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तीसरे का पहला हो गया। तीसरे का दूसरा देख लेते हैं, क्या दिया है। बी सभी x का समुच्चय है तथा x स्क्वायर 0 है। तो x स्क्वायर 0 है, लेकिन हमें x निकालना पड़ेगा। x स्क्वायर 0 है, x स्क्वायर है और x निकालना है, तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेने पर तो x स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया, 0 का वर्गमूल 0। इसका मतलब b के अंदर एक घटक आ रहा है और वो है 0, क्योंकि x 0 है और b भी x का ही समुच्चय है। b x का समुच्चय है, x 0 मतलब b बराबर 0 आ गया, यानी इसमें एक घटक है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। तो आप यहाँ लिख कारण लिखना कि समुच्चय b का घटक, एक घटक 0 है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा कारण। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा किताब में देखिए सवाल की तरफ, पेज नंबर 6 पर। सी सभी एक्स का समुच्चय है, सी जो है सभी एक्स का समुच्चय है, और फिर एक समीकरण दिया है 5x-2 = 0। ये एक समीकरण है और एक और शर्त उसके बाद दी है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दो शर्तें का पालन करते हुए आपको एक्स का मान निकालना है। तो देखिए ये समीकरण हल करते हैं। 5x हो गया 2, एक्स बराबर हो गया 2/5। तो एक्स 2/5 आ रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बट्टे वाली संख्याएं ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो इसलिए c के अंदर आप कोई भी घटक नहीं लिख सकते। तो चूंकि c के अंदर कोई भी घटक नहीं है, इसलिए c भी एक रिक्त समुच्चय है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं चौथे सवाल पर, और ये आखिरी सवाल है इस प्रश्न संग्रह का। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय सीमित और कौन से समुच्चय अनंत है, कारण सहित लिखना। तो जैसे हमने चर्चा किया था, यदि घटक गिने जा सके तो सीमित, ना गिने जा सके तो अनंत। तो पहला देखिए, चौथे का पहला,
चौथे का पहला क्या है? ए, सवाल में किताब में देखिए, एक्स ए सभी एक्स का समुच्चय है, एक्स 10 से छोटा है और यह एक्स प्राकृतिक संख्या भी है, तो 10 से छोटा भी होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या भी होना चाहिए, तो एक से लेकर 9 तक की संख्याएं हो जाएंगी जो प्राकृतिक संख्या है और 10 से छोटी है। अब इसे गिने जा सकते हैं, इसलिए यह सीमित समुच्चय हो गया। ये कौन सा समुच्चय हो गया? आप यहाँ पहले कारण लिख देना कि चूँकि समुच्चय ए के घटकों की संख्या गिने जा सकते हैं, समुच्चय ए के घटकों की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए समुच्चय ए यह सीमित समुच्चय है, यह सीमित समुच्चय है। तो जैसे ए पहला किया, दूसरा भी देख लेते हैं, सूची पद्धति में लिखने के बाद ही आपको ये समझ में आ सकता है कि ये सीमित समुच्चय है या फिर अनंत समुच्चय है। तो सेकंड क्या करना है, पहले देख लीजिए क्या दिया है किताब में, किताब की ओर देखिए ध्यान से, ऊपर बी सभी वाई का समुच्चय है और वाई -1 से छोटा है और वाई पूर्णांक संख्या भी है। तो देखिए -1 से छोटा है और पूर्णांक है, तो -1 से छोटी संख्याएं कौन सी होंगी? -1 से छोटी तो -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह से लगातार नंबर बढ़ते रहे, नंबर आते जाएंगे और ये सब के सब पूर्णांक संख्या है और -1 से छोटी है, इनका कभी अंत नहीं होगा, यहाँ घटकों की संख्या को गिनना संभव नहीं है, इसलिए यह अनंत समुच्चय हो गया। तो आपको ऐसे लिखना होगा, समुच्चय बी के घटक गिने नहीं जा सकते, इसलिए समुच्चय बी अनंत समुच्चय है, ऐसा लिखना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर अपलोड करने में तकलीफ़ होगी। तो थर्ड करते हैं, सी आपकी पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो 9वीं आपके 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो गिनी जा सकती है, इसलिए सी एक सीमित समुच्चय हो गया। चौथा आपके गांव के निवासियों का समुच्चय, गांव के निवासियों का भी समुच्चय गिना जा सकता है, इसलिए यह भी सीमित समुच्चय हुआ। पांचवा देखिए, प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय, प्रयोगशाला में भी उपकरणों की संख्या सीमित ही होती है, गिने जा सकते हैं, इसलिए प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय भी एक सीमित समुच्चय हुआ। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होता है और उसके बाद सारी धनात्मक संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से लगातार बढ़ता रहेगा, तो अनंत है, तो पूर्ण संख्याओं को भी गिनना संभव नहीं है, इसलिए छठे का आंसर भी क्या आ जाएगा? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के घटकों को गिनना संभव नहीं है, इसलिए यह अनंत समुच्चय है। इसके बाद सातवां, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं के घटकों को भी नहीं गिना जा सकता। अभी मैंने चर्चा आपको रेखाखंड ड्रॉ करके बताया था कि जैसे रेखाखंड में दो बिंदुओं के बीच में भी अनंत बिंदु होते हैं, मध्य बिंदु निकालते जाइए आप तो कभी अंत ही नहीं होगा, इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के भी बीच के मध्य वाली संख्याएं आप निकालते जाइए कभी अंत होगा ही नहीं, इसलिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय के घटकों को गिनना संभव नहीं है, इसलिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी अनंत समुच्चय है। तो यहाँ पर ये आपका 1.2 समाप्त होता है और मैं चाहूँगा कि आज के आज इसे आप सॉल्व करके ग्रुप में भेजिए। तो अगला चैप्टर का जो अगला भाग है वो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।